बेसिक पे 35,400 रुपए करने की मांग को लेकर सभी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने आज से राज्य स्तरीय पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सिरसा के लघु सचिवालय में कर्मचारियों ने धरना दिया है। कई कर्मचारी संघों ने लिपिक वर्ग कर्मचारी की हड़ताल को समर्थन दिया। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारी धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक सभी विभाग के लिपिक वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और विभाग के कार्य नहीं करेंगे। गोविंदा जी, आज ये धरना लगाया गया है, किनके द्वारा लगाया गया है, धरने का उद्देश्य क्या है? आज ये जो पूरा आप देख रहे हो धरना लगाया गया है, ये पूरे हरियाणा के समस्त विभागों के समस्त लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों का धरना है जो पूरे अपने हरियाणा राज्य में चल रहा है। तो ये प्रदर्शन जो चल रहा है वो बेसिकली हमारी जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग है। जो सरकार हमें 19,900 का वेतनमान दे रही है, जैसा कि हम ग्रुप सी की कैटेगरी में है लेकिन सबसे नीचे है, आज पूरे हरियाणा सरकार का चाहे कोई सा भी विभाग हो, उनके कोई भी पोर्टल हो या कोई भी किसी भी तरह की पब्लिक डीलिंग हो, कोई भी ऑफिशियल काम हो, एक छोटे से छोटा जो लेटर निकलता है वो भी एक कलर की शीट से निकलता है, तो सारा का सारा पूरा जो हरियाणा सरकार जो एक नंबर पे है उनकी पॉलिसियों को लागू करने के लिए और उनकी जितने भी ये अपने पोर्टल चल रहे हैं उन सभी पोर्टल को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरा का पूरा क्लेरिकल वर्क का सहयोग होता है, पूरा पूरा क्लेरिकल वर्क कार्य करता है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मांगों को कभी आज तक देखा नहीं गया, उनकी मांगों को सुना नहीं गया, उनकी मांगों की कभी समीक्षा नहीं की गई। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 100 से ज्यादा विभाग अपने हैं, जिन 100 के 100 सभी विभागों में सारे के सारे जो कलर साथी अपने वो पूर्ण रूप से अपना तन मन धन से 100% दे रहे हैं। इसीलिए हरियाणा सरकार आज पूरे पूरे अपने भारत में सबसे अव्वल दर्जे पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें 19,900 का बेसिक पे दिया जा रहा है वह हमारे काम के हिसाब से जायज नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो हमारी जो वेतन मांग है मिनिमम जो अभी हमारी मांग है वो 35,400 की मांग है। इस मुहिम के लिए हमने 18 जून को करनाल में पूरा राज्य स्तरीय प्रदर्शन रोष प्रदर्शन किया था, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब जी से हमने समय मांगा था मिलने के लिए। हमें 4 जुलाई तक का समय भी दिया गया था वहां से मेयर साहिबा के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं सुनी, ना हमारी कोई बात हुई है। इसीलिए हमने पूरा ये निर्णय लिया था कि पूरे हरियाणा राज्य के हर विभाग के हर कर्मचारी पूरे के पूरे 100% धरने पे बैठेंगे, जो आज बैठे हैं 5 जुलाई से, और ये धरना अनिश्चित।